वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आने वाली हैं, सीबीएसई की भी और बिहार बोर्ड की भी। दोनों परीक्षाओं में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कन्वर्जन पूछे जाते हैं, और कन्वर्जन का अगर आप सवाल बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो ये कि कन्वर्जन किसी एक चैप्टर से नहीं हो सकता है। कन्वर्जन का क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर पढ़ करके आप बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे ट्वेल्थ क्लास में हम लोगों को जो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ना है, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, तो इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स के रिएक्शंस को पढ़ने के बाद ही आप कन्वर्जन को बना सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कन्वर्जन किसी एक चैप्टर से नहीं बनाया जा सकता है। कन्वर्जन जब भी बनेगा तो मोर देन वन चैप्टर आपको पता होना चाहिए, उसके रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, कन्वर्जन के क्वेश्चंस तीन टाइप से हो सकते हैं। एक जिसमें कि क्वेश्चन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है सो नंबर ऑफ कार्बन में डिफर करेगा, तो उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। कभी कार्बन का नंबर को बढ़ाने को कहा जाएगा और कभी कार्बन के नंबर को घटाने को कहा जाएगा। तो अगर किसी कन्वर्जन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है तो उस तरह के कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सीरीज, और अगर किसी कन्वर्जन में नंबर ऑफ कार्बन को डिक्रीज करने को कहा जा रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग डिसेंट ऑफ सीरीज। और एक तीसरा टाइप का कन्वर्जन होगा जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज किया जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों के पास कन्वर्जन तीन टाइप का हो सकता है। एक में हम लोग कहेंगे एसेंट ऑफ सीरीज होगा, दूसरा टाइप हम लोग कहेंगे जिसमें कि डिसेंट ऑफ सीरीज होगा, इसमें कार्बन का नंबर घट जाएगा, और तीसरा टाइप में नो चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों के पास तीन तरह का कन्वर्जन होगा। एसेंट ऑफ सीरीज अगर हम लोग देखें तो एसेंट ऑफ सीरीज के लिए कुछ बेसिक आपको जो है सो याद रखना होगा रिएक्शन। जैसे रिएक्शन हम लोगों के पास होता है उर्ज रिएक्शन, ये एसेंट ऑफ सीरीज का बड़ा आसान सा तरीका है। जैसे आपके पास CH3Cl है और सोडियम है, तो दो CH3Cl, दो सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन आप करवाएंगे, तो इधर आपके पास इस कंपाउंड में एक ही कंपाउंड है तो एक ही कार्बन है इसमें, CH3Cl में एक ही कार्बन है। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन आपको यहाँ CH3CH3 इथेन मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन दो दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि ये एसेंट ऑफ सीरीज का एग्जाम्पल हो गया। एसेंट ऑफ सीरीज का दूसरा अगर तरीका हम लोग कहें तो दूसरा तरीका हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पोटासियम साइनाइड के साथ करवा करके कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से पोटासियम हैलाइड मिलेगा और अल्काइल साइनाइड मिलेगा, ये पोटासियम हैलाइड और अल्काइल साइनाइड। जैसे रियल एग्जाम्पल हम लोग लिखें CH3Cl है, पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इधर हम लोगों को मिलेगा CH3Cn प्लस KCl। अब यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में एक ही कार्बन है लेकिन इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन दो हो गया। तो ये हम लोगों के पास एक एसेंट ऑफ सीरीज का सेकेंड मेथड है। एसेंट ऑफ सीरीज का तीसरा मेथड है बाय द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे फेमस रिएक्शन हम लोगों के पास है ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अगर हम लोग करवाएं तो ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पर आकर के अटैच हो जाएगा, और इधर हम लोग HCH और यहाँ CH3 इसके साथ OMgBr, और इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे वाटर के साथ रिएक्शन। ये यहाँ से समझिए कि ब्रेक करा, यहाँ से ब्रेक करा, तो इधर हम लोग इसको HCH और ऊपर CH3 और इधर OH, तो उसको सब मिला करके एक साथ अगर देखें तो ये कंपाउंड है CH3CH2OH। फिर से इस कंपाउंड में ये जो इथाइल अल्कोहल बना, इस कंपाउंड में दो कार्बन है और यहाँ हम लोगों के पास फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन से दो कार्बन वाला कंपाउंड बना, फिर से एसेंट ऑफ सीरीज का एक तरीका है। डीकार्बोक्सिलेशन डिसेंट ऑफ सीरीज का ये पहला तरीका है हम लोगों के पास। जैसे सोडियम सॉल्ट हम लोग लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का और इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम के साथ, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम कहते हैं, हीट करेंगे तो इधर हम लोगों को मिलेगा RH अल्केन। और दूसरा फेमस तरीका है हम लोगों के पास हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोगों के पास एसिड एमाइड होता है RCONH2, इसका रिएक्शन अगर हम लोग ब्रोमीन प्लस NaOH या KOH के साथ करवाएं तो हम लोगों को मिलेगा अमाइन RNH2, ये 1 डिग्री अमाइन।
तो ये 1 डिग्री अमाइन बना और इसमें एक कार्बन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, गायब हो गया, यहाँ से CO जो था वो कार्बन गायब हो गया। तो ये दो तरीका है डिकार्बोक्सिलेशन एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो हम लोगों को डिसेंट ऑफ सीरीज में हेल्प करता है। ये जो वीडियो था जिसमें कन्वर्जन का ये Part-01 है, ये पहला वीडियो है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी भी तो मदद होनी चाहिए। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़े हैं उनके लिए सबसे हेल्पफुल होगा, और अपने दोस्तों के बीच में भी आप इसको शेयर कीजिए। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू।